सरिया सुजान थाना क्षेत्र के सलेमगढ़ टोल प्लाजा पर ट्रक में ड्रम के नीचे लदे पशुओं से भरी गाड़ी को उस समय पुलिस ने बरामद किया जब तस्कर बिहार प्रदेश निकलने वाले थे कि तस्कर पुलिस के हाथ लग गए। बता दें कि पुलिस क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज रामकृष्ण तिवारी के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित टोल प्लाजा सलेमगढ़ लुनिया पट्टी बैरियर पर बृहस्पतिवार को 12 बजे थाना अध्यक्ष सरिया सुजान विनय पाठक के साथ सघन चेकिंग अभियान जारी था कि एक मुखबिर की सूचना मिली कि एक ट्रक संख्या UP 78 CN 4127 में ड्रम के नीचे पशुओं की बड़ी खेप बिहार सीमा की तरफ जा रही है। सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष सरिया सुजान विनय पाठक चौकी प्रभारी विकास यादव व हमराही रणधीर सिंह शंभुराय कालका प्रसाद कमलेश सिंह दिलीप सिंह को साथ लेकर टोल प्लाजा पर नाकाबंदी कर दी। उक्त संख्या के ट्रक को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो चालक ने गति तेज कर भागने का प्रयास करने लगे पर सतर्क पुलिसकर्मियों ने आगे बहादुरपुर पुलिस चौकी पर जाम लगाकर गाड़ी को रोककर तस्करी के लिए जा रहे 41 राशि बैल बरामद कर लिए। पकड़े गए 4 तस्करों ने अपना नाम गोपीनाथ पांडे ग्राम गोपा पांडेपुर थाना कुलवा जनपद सुल्तानपुर राजू पांडे पता उपरोक्त सरोज प्रसाद व सूरज प्रसाद दोनों ग्राम हदगावा थाना हदगावा जनपद फतेहपुर के रूप में बताए जाते हैं। पुलिस अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है और अग्रिम कार्रवाई में जुटी। न्यूज फ्रीडम के लिए तरिया सुजान कुशीनगर से राम मिश्रा की रिपोर्ट।